हाय गाइस, वेलकम इन माय अनदर वीडियो। गाइस, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो बनाने के लिए बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करा था, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक मिनिमम स्कोर जो 100 मार्क्स का होता है, वो तुम फिजिक्स में कैसे अचीव कर सकते हो। तो मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा है और वो लोग फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने जा रहे हैं। 90% जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका फिजिक्स ही वीक होता है। तो बहुत लोगों ने कमेंट करा, इंस्टाग्राम पे डीएम करा कि फिजिक्स में 100 नंबर, 120 नंबर जो एक मिनिमम स्कोर होता है, जो अगर इतना मार्क्स चाहिए ही अगर एमबीबीएस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है तो चलो वीडियो कर। सो गाइज, अगर तुम लोग 100 और 120 मार्क्स लाना चाहते हो, जो कि मिनिमम मार्क्स है अगर तुमको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री लेना है तो, और ये भी 100 और 120 तब जब तुम बायोलॉजी और फिजिक्स में, बायोलॉजी में 330 और केमिस्ट्री में 150 स्कोर करोगे तब, तो फिजिक्स में अगर 100 और 120, 100 से 120 तक के रेंज में अगर तुम्हें मार्क्स को स्कोर करना है तो तुमको फिजिक्स में बहुत सारा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तीन चीज़ बताऊंगा, तीन स्टेप्स, अगर वो तीन स्टेप्स तुम अच्छे से फॉलो करते हो देन तुम्हारा फिजिक्स में 100 से 120 या फिर मोर देन 120 होगा, उससे कम तो नहीं होगा। तो अगर तुम 100 मार्क्स लाना चाहते हो फिजिक्स में, देन तुमको 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो तुम आप बोलोगे कि 25 क्वेश्चन, 25 इंटू 4 100 मार्क्स होता है, लेकिन नहीं, जितना क्वेश्चन तुम अटैम्प्ट करोगे सारा सही होने वाला है नहीं तुम्हारा। तो तुम अगर 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, उसमें से 3-4 अगर गलत भी होते हैं, देन तुम एक सेफ साइड में रहते हो कि तुम्हारा 100 प्लस तो फिजिक्स में हो ही जाएगा। तो अब जो मेन टॉपिक है कि 100 मार्क्स लाने के लिए फिजिक्स में करना क्या होगा, तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, वो तुम्हें कि जितने भी चैप्टर है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन टू सेमीकंडक्टर, सबके सबका जितने भी चैप्टर है सबका क्या करो कि फॉर्मूला लिस्टिंग कर लो। अगर यूनिट एंड डायमेंशन में इतने फॉर्मूले हैं, सेमीकंडक्टर में कितने हैं, मॉडर्न फिजिक्स में कितने हैं, तो अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सब कुछ को पढ़ पाओगे अगर तुमने अच्छे से नहीं कराया तो क्या करो कि यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर सेमीकंडक्टर तक का क्या करो कि सबका फॉर्मूला एक पेज में लिख लो, यूनिट एंड डायमेंशन फिर दूसरे जैसे। अगर तुम्हारे पास ऐसे फॉर्मूला का बुकलेट है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला का बुकलेट नहीं और सारा फॉर्मूला भी तुम्हारे पास नहीं है फिजिक्स के, देन मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे फिजिक्स का एक पीडीएफ है, फिजिक्स के फॉर्मूले का, उस पीडीएफ में तुमको हर एक फॉर्मूले मिलेंगे। तो वहाँ से क्या करो कि सबसे पहले तो सारा फॉर्मूला याद कर लो, बिना टेंशन लिए सारे फॉर्मूला जितना तुमसे याद हो रहा है उतना फॉर्मूला याद कर लिए। अब जब तुमने सारा फॉर्मूला याद कर लिया, देन स्टेप टू क्या करना है तुमको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए क्योंकि तुमने जो भी फॉर्मूला याद किया है, क्योंकि अगर 45 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में है देन उस 45 क्वेश्चन में से जो 30 क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड भी होता है, और उस 30 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जिसमें 1% भी ब्रेन नहीं लगाना। अगर तुम को फॉर्मूला याद है और तुम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो देन डेफिनेटली तुमको उस क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाएगा। तो सब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले फॉर्मूला याद करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो फॉर्मूला तुमने याद किया है उसको तुमको इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रिपीट भी होता है, 10-20% क्वेश्चन का तो कॉन्सेप्ट हर साल रिपीट होता है, तो उसके लिए तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं हर एक क्वेश्चन में। अब क्या हुआ कि तुमने फॉर्मूला सारा याद कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब तीसरा काम तुमको क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको तुमको डिटेल में पढ़ता है, अगर ये दोनों काम तुम कर लिए, अगर उसके बाद करने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम है देन तीसरा काम तुमको करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको याद को डिटेल में पढ़ना है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, तो तुमको सेमीकंडक्टर अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद से मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये सब आसान टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर बहुत आसान है और इससे भी 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर साल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो, और वेक्टर का यूनिट एंड डायमेंशन का आगे भी दूसरे चैप्टर में भी यूज आएगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर करना है, ग्रेविटेशन करना है, उसके बाद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो रोटेशनल मोशन लोगों को बहुत टफ लगता है तो उसमें से एक टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको निकाल के अच्छे से सीख लेना सबका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जिसको तुमको डिटेल में पढ़ लेना, अगर टाइम है तो तुम फ्लूइड मैकेनिक्स, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला सब जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है उन थ्योरेटिकल चैप्टर को तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, लेकिन जो मस्ट चीज तुमको करना है सारे फॉर्मूला तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इच एनर्जी फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, उसके बाद से तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, अगर नहीं क्वेश्चन बने देन सॉल्यूशन देख के सीखो बट कॉन्सेप्ट सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला एटलीस्ट सब याद रहेगा। अगर तुमको सारा फॉर्मूला याद है देन मैं बता रहा हूँ कि तुम फिजिक्स के में 100 मार्क्स लाने तक के लिए तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। सो गाइज, ये सब अगर तुमने फिजिक्स में भी कुछ नहीं करा है तो प्लीज़ इसको एक बार फॉलो करके देखो, अगर तुमको फायदा मिलेगा देन तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। आई नो कि तुम लोग को इससे फायदा होगा ही, क्योंकि अगर तुम फॉर्मूला सब याद करके रहोगे तो क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो तुमको बहुत अच्छा लगा हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।